आप देख रहे थे खबरें बाब। एलजेपी में टूट के लिए विपक्ष ने नीतीश कुमार को बताया जिम्मेदार। हम बीजेपी ने कहा ये तो होना ही था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच एलजेपी में टूट की खबर आने से देश की सियासत गर्मा गई है। केंद्र के साथ ही बिहार के सियासी गलियारों में भी तरह तरह की चर्चाएं तैरने लगी है। बिहार एनडीए में खटपट और लालू के जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने के कयासों के बीच एलजेपी में बड़ी टूट की खबर ने सबको चौंका दिया है। सभी दल के नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीतीश कुमार को बताया जिम्मेदार। एक तरफ विपक्ष की पार्टियों ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टूट का जिम्मेदार बताया है, वहीं सत्ताधारी दल के नेता चिराग को जिम्मेदार बताते हुए ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही पार्टी नेताओं के बीच शीर्ष नेतृत्व के प्रति असंतोष की भावना थी। आरजेडी विधायक और नेता शक्ति सिंह ने एलजेपी में टूट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से लोग दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आग की लपटें उनके घरों को भी राख कर सकती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। धन बल का प्रयोग कर वो छोटी पार्टियों को तोड़ती है। इस पार्टी के नेताओं को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये जो आरसीपी टैक्स लेते हैं वो इन्हीं सब कामों में खर्च करते हैं। अब चिराग पासवान से ही पूछना होगा कि वो आगे क्या करने वाले हैं। दल बदलुओं की जमात है जेडीयू। इधर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि एलजेपी में टूट के पीछे जेडीयू का हाथ है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस टूट में जेडीयू के नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टियों के तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं। जेडीयू दल बदलुओं की जमात बन गया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक भ्रष्टाचार बताया है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द खबरी बाबू।